हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब जो भी मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ बहुत न्यू है। तो एक बार मैंने पहले भी अपने इस व्लॉग में, मतलब आप सबके साथ अपना जो ट्रेडिशनल फूड है दिखाने की कोशिश की थी, बट मुझे कमेंट में ये बताया गया था कि आप जो है इसको बनाते हुए मतलब दिखाया नहीं है। मैंने नहीं दिखाया था, मैंने बस थोड़ा बहुत बताया था कि मैंने इसमें क्या, मतलब जो न्यू है, मतलब ये किस तरह से न्यू रेसिपी है, तो मैंने बस उतना ही बताया था। तो आज मैं स्टार्टिंग से ही बनाते हुए दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से आज अपना ट्रेडिशनल फूड सिड्डू बनाने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना है और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल न्यू, शायद आप सबको किसी ने ये बताया नहीं होगा, तो ये फर्स्ट मैं हूं जो आपको बिल्कुल न्यू तरीके से ट्रेडिशनल फूड दिखाने वाली हूं। तो मैं वो क्या चीज ऐड करने वाली हूं जो आपको आज तक नहीं पता। तो एक बार तो मैंने, जिसने तो पहले मेरा जो ट्रेडिशनल फूड का जो व्लॉग है देखा है, उनको तो पता होगा मैंने क्या उसमें, मतलब एक ऐसी आइटम डाली थी जिससे, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल फूड का बहुत ही ज्यादा, मतलब अच्छा टेस्ट आया था, अच्छा फ्लेवर बना था। तो जिसने नहीं देखा है तो मैं आज आपको बता दूंगी। तो अभी मेरा आटा, मतलब कल रात का मैंने आटा गूंद के रखा था तो फूल चुका है अच्छी तरह से। तो मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना ट्रेडिशनल फूड सिड्डू बनाना। तो चलिए। तो मैंने ये जो उड़द है रात को भिगोने के लिए डाली थी, ये देखिए पूरी तरह से भीग चुकी है। और अब मैं इसमें एक प्याज डालूंगी और दो हरी मिर्च, और मैं कुछ बादाम भी डालने वाली हूँ। वेट करो, मैं बादाम लाने वाली हूँ इसमें डालने के लिए। तो ये मैंने थोड़े बहुत बादाम डाल दिए इसके अंदर, और मैं प्याज मिर्च और बाकी का मसाला डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक प्याज इसमें काट के रख दिया है, ये छोटा सा प्याज है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ये मैंने दो मिर्च, हरी मिर्च इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, और बस ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी इसमें, बस अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। मिर्च डल चुकी है तो मैं ये नमक डाल दिया है इसमें थोड़ा। सो फ्रेंड्स, ये उड़द का पेस्ट बन चुका है हल्की सी। मैंने फिर इसमें हल्दी भी ऐड की थी और बाकी जो प्याज वगैरह था जो भी इसमें मैंने डाला है वो पूरी तरह से ग्राइंड हो चुका है और बहुत अच्छा पेस्ट, मतलब दरदरा सा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है और बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट इसका आता है। तो फ्रेंड्स, ये धो के अच्छी तरह से सूख चुके हैं। मैं इसमें लगा रही हूँ हल्का हल्का ऑयल, तो सब में ऑयल लगा लेती हूँ पहले अच्छी तरह से, फिर उसके बाद मिलती हूँ। तो इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है सब में अच्छी तरह से, और ये बना दिया है मैंने पेस्ट जो मैं सिड्डू के अंदर डालने वाली हूँ। ये देखिए कितना सुंदर, और इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसको सिड्डू के बीच में डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताने वाली थी जो ये थी कि जैसे सिड्डी तो, मतलब आजकल जैसे ट्रेडिशनल फूड में सभी दिखाते हैं कि इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, लेकिन जो मैं दिखाने वाली हूँ आज के इस व्लॉग में तो वो बिल्कुल न्यू है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब टेस्टी बनने वाला है। जो जिस तरह से मैं बनाऊंगी इसे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है, आप समझ गए होंगे। तो ये है गलगल के पत्ते जो मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं, ये देखिए ये गलगले के पत्ते हैं जो मैं इसमें डालने वाली हूँ, मतलब एक सीढ़ी के नीचे एक। तो इसका क्या है ना, इसका एक अपना बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है, और इसके ऊपर मैं सीढ़ी को रखूंगी, जैसे एक दो डालूंगी तो एक दो के एक के नीचे एक ही डालूंगी, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप भी ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना कि इसका टेस्ट कैसा होता है, क्योंकि ये जो मैं आज, मतलब जिस तरीके से मैं आप सबको इस ट्रेडिशनल फूड को बना के दिखाने वाली हूँ, शायद ही किसी ने आपको दिखाया। ऑयल लगा दिया है हाथ में, तो अब मैं निकालने वाली हूँ आटा इतना, ये देखिए इसको ज़्यादा नहीं फैलाना है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, ऐसे ऐसे।
आप सबने देख ही लिया होगा मैंने जो ट्रेडिशनल फूड है किस तरीके से बनाया है और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो प्लीज 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 आप जरूर ट्राई करना, मतलब अपने घर में कुछ भी ज्यादा उसमें मतलब कि ज्यादा कुछ भी नहीं मैंने डाला है। वैसे तो मुझे पहले अखरोट का उसमें पेस्ट बना के डालना था पर मेरे पास अखरोट नहीं है, ज्यादा नहीं थे थोड़े ही थे, तो मैंने उसमें उड़द मैंने कल रात की भिगोने के लिए डाल दी थी, तो उड़द के बीच में थोड़े बादाम डाले हैं, फ्लेवर के लिए अच्छा आता है उसका टेस्ट, तो मैंने उड़द के मतलब का पेस्ट उसके अंदर डाला है जो आप सबने अभी देखा। तो जो मैंने उसमें डाला है गलगल के पत्ते, जिसका मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना मतलब उसका अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए मैं डालती हूँ उसमें गलगल के पत्ते, तो जो मैंने डाले हैं। तो आप प्लीज 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 जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस जो न्यू तरीके से जो मैंने ट्रेडिशनल फूड सिड्डू बनाए हैं, तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो आप सब प्लीज ट्राई करना और मुझे जरूर बताना जिस इसने ट्राई किया तो कैसा लगा टेस्ट। तो प्लीज 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 अगर जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो न्यू है चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस तरीके से मैंने ये ट्रेडिशनल फूड आप सबको बना के दिखाया है तो उस तरह से बनाने के बाद भी मुझे कमेंट करना इसी व्लॉग में। तो अभी तो मैंने लगा रखे हैं मतलब 15 से 20 मिनट तक मैं वो बनने दूंगी, तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं आप सबको दिखाने वाली भी हूँ। वैसे तो मैंने दिखाया था पहले, तो आज भी दिखाऊंगी। तो लाइक करना वीडियो को और एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये ना थोड़ी मतलब फूल सी गई है, जो जितनी छोटी थी उतनी नहीं है, ये थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो अब ये पक चुकी है, अब मैं इनको निकालती हूँ खाने के लिए। ये देखिए तश्यु, देख सकते हैं आप कितनी खुश हुई है। तश्यु को बहुत ही ज्यादा पसंद है ये हमारा सिड्डू, है ना शिड्डी। खाना है, गरम होगा अभी। तो देखिए फ्रेंड्स ये बन के रेडी हो चुका है, और जो इसके जो पत्ते हैं ये देख सकते हैं आप, ये इसका कलर भी चेंज हो गया है देख सकते हैं। और इसका जो मतलब इसकी जो खुशबू है ना भाई साहब, ये ना मतलब कि क्या बताऊं, अच्छी नहीं। चलो आप टेस्ट करो बेबी। गरम होगा बहुत, रुको थोड़ा तोड़ो इसको तब। तो अंदर से दिखा था इसका अंदर वाला, ये देखो आपको गर्म नहीं लग रहा है क्या? रुको। पता क्या मम्मा, मैंने हैंड वॉश कर लिया। हाँ जी आपने हैंड वॉश से हैंड वॉश कर लिया है, मुझे पता है। तो मुझे टेस्ट करके बताना, सच बताना पर तशु कि कैसा है। ओके सच वाला अभी तक इतना सा खाया है, मैं बताती हूँ फ्रेंड सच की कैसा है। ओके ये देखिए, वाओ। तो मैं हैं ओके, तो फ्रेंड्स किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, कितना मतलब बहुत ही देखने में डिलीशियस लग रहा है। हाँ देखो कितना यम्मी, वाओ कसम से। और खाओ, ये ना कुछ ज्यादा ही टेस्टी है यार बेबी। इतना टेस्टी कैसे बनाए? है ना? क्योंकि है ना, मुझे नहीं आ रहा। अब ये टेस्टी, ये अच्छा। तो फ्रेंड्स मैं सच बोल रही हूँ, आप प्लीज 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 ये जो पत्ते हैं, क्योंकि बाकी तो शायद आप सब बनाते ही होंगे, मगर इस तरीके से शायद ही किसी ने नहीं खाए होंगे ये सिड्डू, तो प्लीज इस तरीके से जरूर खाएं।
कर खा लेना, बहुत टेस्टी है। तो बाय बाय बोल दो फ्रेंड्स को, और जरूर बोलो कमेंट। मैं बताता अच्छा पहले बता क्या क्या डालता है। अरे मैंने बता दिया है, देख लिया इन्होंने। तो बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल, बाय बाय।